हेलो गाइस, बात करने वाले हैं कसम तेरे प्यार की शो के बारे में, ऋषि और तनुजा की जोड़ी के बारे में। इस जोड़ी की बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है जोड़ी। यही वजह है कि एक बार फिर से खबरें सामने आ रही हैं ऋषि और तनुजा को लेकर, यानी कि कृतिका सिंगर और शरद मल्होत्रा को लेकर बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में उम्मीद करी जा रही है कि शो के सीजन 2 पर काम किया जा रहा है। मतलब कि एकता कपूर का ये शो रहा है, बालाजी टेलीफिल्म्स का शो रहा है और उनके कई सारे शो ऑन एयर होने वाले हैं, जिनमें से एक शो ये भी है। और साथ ही साथ कलर्स टीवी के कई सारे शो हैं जिनको लेकर बातें सामने आ रही हैं कि एकता कपूर के बहुत सारे शो जो हैं कलर्स टीवी पर ऑन एयर होने वाले हैं, जिनमें से नागिन सीजन 7 को लेकर तो चर्चा चलती ही रहती है और बहुत ज़्यादा इस टाइम पर चर्चा चल रही है। उसके अलावा बात करें मेरी आशिकी तुमसे ही शो को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीजन 2 को लेकर लोग एक्साइटेड हैं, उसको लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। और कसम तेरे प्यार की शो के सीजन 2 को लेकर भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है फैंस में। सो देखना यह है कि इनमें से कौन से शो है जो कि वो ऑन एयर होंगे और आपको देखने को मिलेंगे। जिनमें से नागिन सीजन 7 तो फाइनल है, वो तो आना ही आना है। इसके अलावा अगर बात करें तो कसम तेरे प्यार की शो के सीज़न 2 को लेकर भी बातें ऐसी ही सामने आ रही हैं कि आपको सीज़न 2 देखने को मिलने वाला है। लेकिन कहीं से खबरें ये भी सामने आती हैं कि यहाँ पर नए चेहरे आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ऋषि और तनुजा की दो बेटियाँ थीं जो कि सीज़न 1 में दिखाया गया था, तो उन दो बेटियों पर आगे की कहानी बढ़ेगी किस तरीके से। जिस तरह से लीप लेकर मेकर्स आए थे, वैसे ही लीप के बाद दो बेटियाँ किस तरीके से देखने को आपको मिली थी सीज़न 2 में, आपको वैसे ही आपको नई स्टोरी देखने को मिलेगी। उन दो बेटियों के ऊपर आगे की कहानी बेस्ड होगी, उनकी लव स्टोरी, उनका लव ट्रायंगल, वो जो कुछ देखने को मिलेगा वो आपको सीज़न 2 में देखने को मिलेगा। इसके हाईली चांसेस हैं। सो देखना ये है कि फिर क्या कुछ वहाँ पर इंटरेस्टिंग होता है। वैसे तो खबरें ये भी सामने आ रही थी कि कृतिका को ही बड़ी बेटी के रूप में एक बार फिर से वापस लेकर आएंगे मेकर्स, पर ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके लिए फिर वेट मेंटेन करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि एक बेटी का कैरेक्टर प्ले करना है, तो शायद ऐसा ना हो पाए। फिर होने को कुछ भी हो सकता है क्योंकि मेकर्स पे डिपेंड है, आपके हाई डिमांड पे डिपेंड। कमेंट करके एक्साइटमेंट बताना, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।